महोदय, मैं OTT प्लेटफॉर्म पर जो ऑब्सीन कंटेक्स्ट है उस विषय पर पाबंदी लगाने के लिए मैं शून्यकाल में खड़ा हुआ हूँ। मतलब OTT यानी ओवर द टॉप ये जो प्लेटफॉर्म है, जैसे नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, डिज्नी, वायकॉम 18, एप्पल TV, रिलायंस ब्रॉडकास्ट, हॉटस्टार, प्राइम वीडियो, ऐसे 40 से ज़्यादा OTT प्लेटफॉर्म हैं और इन अधिकांश प्लेटफॉर्म पर जो प्रदर्शन किया जाता है सीरियल्स का, उसमें हिंसा, वल्गैरिटी, ऑब्सीन, गाली गलौज की भाषा, किलिंग को ग्लोरीफाई करना, ड्रग्स को ग्लोरीफाई करना और इतनी अभद्रता और अश्लीलता है कि परिवार के साथ बैठकर देखना कठिन है। रोजमर्रे की जीवित की जिंदगी में हम जिस प्रकार की गाली का प्रयोग नहीं करते, वैसी गालियाँ और इन प्लेटफॉर्म पर दिखाने वाले सीरियल्स के अंदर दी जाती है। और अब तो देश के बड़े बड़े कलाकार नेटफ्लिक्स, अमेजोन के लाइव स्ट्रीमिंग सीरियल में शामिल होते हैं। सती महोदय, ये जो OTT प्लेटफॉर्म है, इनका बाजार तेजी से बढ़ रहा है और 2027 तक $7 बिलियन होने की संभावना है। और ये जो एज की रेटिंग है, ये भी वो स्वयं करते हैं, जबकि ये काम किसी एक्सपर्ट पैनल को और किया जाना चाहिए। महोदय, जिस प्रकार फिल्म के सेंसरशिप के मैं पक्ष में नहीं हूँ, OTT प्लेटफॉर्म के किसी प्रकार के प्रतिबंध के, लेकिन जैसे फिल्मों के लिए और कि रेगुलेशन बना हुआ है, और हम सबों को याद है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन जो सिनेमेटोग्राफी एक्ट 1952 के तहत बना है, उसके द्वारा फिल्मों के प्रदर्शन के पूर्व उसकी समीक्षा की जाती है। उसी प्रकार टेलीविज़न पर टेलीकास्ट हेतु केबल टेलीविज़न नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट 1995 बना हुआ है, लेकिन OTT प्लेटफॉर्म पर जो कुछ दिखाया जाता है, इसको रेगुलेट करने की कोई व्यवस्था नहीं है। माननीय मंत्री ने भी इस पर चिंता व्यक्त की है। तो मैं आपके माध्यम से सदन से यह आग्रह करूंगा कि भारत सरकार को इन OTT प्लेटफॉर्म पर दिखाए जाने वाले प्रदर्शनों को रेगुलेट करने के लिए कोई रेगुलेटर बनाया जाना चाहिए। अब ये सेल्फ रेगुलेशन है, उसमें रेगुलेटर की उन्होंने अपना एक रेगुलेशन बनाया रेगुलेट करने का, लेकिन सरकार की ओर से उसको रेगुलेट करने की कोई व्यवस्था नहीं है। और ये केवल हिंसा और बाकी नहीं, ये सॉफ्ट पॉर्न जो है, ये मनोरंजन के नाम पर सॉफ्ट पॉर्न दिखाते हैं, और इसका परिणाम है कि बच्चों से लेकर हर उम्र के लोग और घरों में जिस प्रकार से इसका प्रदर्शन किया जा रहा है।